प्रोटेक्शन का यूज करते हैं, जैसे कि हम इनक्रिप्टेड प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो इनक्रिप्टेड प्रोटेक्शन का हमें सुखा दे प्रोटेक्शन। नहीं, इनक्रिप्टेड प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो हमें क्या करना होता है, फाइल में जाना होता है, और फाइल के अंदर देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा इन्फो, क्या आएगा इन्फो। तो फाइल के अंदर आपको इन्फो मिलेगा, इन्फो मिलेगा वर्कबुक प्रोटेक्शन यहाँ पे देखो लिखा रहा होगा, और इनक्रिप्टेड प्रोटेक्शन यहाँ आएगा। जब क्लिक करोगे इस पर तो यहाँ देखो लिखा रहा है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, क्या लिखा रहा है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। तो जैसे ही आप इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करोगे आपसे पूछेगा कि पासवर्ड डाल दो, तो मैंने डाल दिया 123 एंड ओके किया, देन रिपीट कर दिया सेम पासवर्ड 123 एंड ओके कर दिया। और इसको हम एस्केप से बाहर जाएंगे, और फिर यहाँ पे मान लो कोई भी डेटा आप बना लेते हो, मैंने लिखा रोल नंबर, नेम, क्लास, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड SST एंड टोटल, इस तरह का हमारे पास डेटा पड़ा हुआ पहले से। ठीक, नेम डाल दिया, और डाल दिया यहाँ पर एक फंक्शन होता है रैंड बिटवीन, रैंड बिटवीन, और मैंने डाल दिया 10 से लेकर 100 के बीच में वैल्यू ये फ्लक्चुएट करेगी, यानी शो आउट करेगी। अगर मैं यहाँ पे फास्टली कर दूँ कंट्रोल आर और कंट्रोल डी, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा आर एंड डी, और लास्ट आर डी, आर से राइट फिल होता है, कंट्रोल प्लस डी से डाउन फिल होता है, और ऑल्ट इज इक्वल करवा देना, यहाँ पे टोटल हो जाएगा, यहाँ टोटल हो चुका है। ठीक, अब इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ, तो कहाँ जाएंगे, फाइल देन सेव एज डेस्कटॉप, दिस पीसी, और डेस्कटॉप पे मैं क्लिक करके सेव करता हूँ। तो मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया यहाँ पर फाइल को, और लिख दिया हेलो, हेलो 123, तो फाइल का नाम हो गया हेलो 123। और अब मैं जब भी इसको पन्ने से, मान लो इसको मैंने क्लोज कर दिया और मैं इसको ओपन करना चाह रहा हूँ, स्क्रीन नज़र आ रही, नहीं आ रही है? नहीं सर। चलो मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ, एक्सेल खोल लेना सॉफ्टवेयर, स्क्रीन आ रही है नजर? हाँ सर। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही यहाँ पे आएगा न्यू आ रहा है, हमने क्या किया, ओपन पे क्लिक करूंगा, ओपन पे क्या लगा रखा था, हेलो 123। इस फाइल को जब मैं ओपन करूंगा तो ओपन करने पे देखो मुझसे मांग रहा है पासवर्ड, तो बिना पासवर्ड के हम उस फाइल को ओपन नहीं कर सकते। जैसे मैंने डाला 123 और एंटर करेंगे तो ही हम इस डेटा को खोल कर देख पाएंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो ये क्या हो गया, अगर फाइल, अगर हम इसे अगर फाइल डेस्कटॉप पे भी सेव करेंगे, जब भी पासवर्ड कहीं भी कर लो आप, सेव जब भी करोगे तो सेव कर लेना विद पासवर्ड, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड करने के बाद, और जब भी आप इसको ओपन करोगे तो आपसे क्या कहेगा कि आप पासवर्ड वो वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं वर्क करेगा। क्लियर? तो दैट इज ऑफ विच ऑप्शन, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। क्लियर कॉन्सेप्ट? इसके अलावा यहाँ पे पेज लेआउट के अंदर कुछ ऑप्शन मिलते हैं, पेज लेआउट पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, देखो यहाँ पे लिखा रहा है बैकग्राउंड। क्लियर? तो होता है क्या, किसी भी कंपनी में जब हम काम कर रहे होते हैं तो उसके लोगोज को शो कराना होता है उसके पेज पे, तो हमें क्या करना है, बैकग्राउंड्स पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ से कहेगा कहीं से भी आप फाइल उठा लो। तो मैं यहाँ पे फ्रॉम अ फाइल ले लेता हूँ, जहाँ पर भी मेरे डेस्कटॉप पे पड़ा होगा फाइल, मैं उसको उठा लेता हूँ। जैसे कि ये एक इमेज है या कोई भी आप ले लो, तो डेस्कटॉप पे या कोई भी लोगो पड़ा हो उसको उठा लो। तो इससे मैंने ये ले लिया वन एंड इंसर्ट करा दिया, तो ये देखो लोगो आ गया स्वामी विवेकानंद के पीछे बैकग्राउंड में, डार्क है इसलिए डार्क नजर आ रहा है, ओवरऑल वर्कशीट पे नजर आएगा, आप कहीं भी मूव करो देखो सारे शीट पे नजर आएगा, आ रहा है, दिख रहा है? yes, और उसके ऊपर डेटा भी नजर आ रहा होगा। तो ये लगाना होता तो यही से करते हैं, और हटाना होता तो डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो हट भी जाएगा। तो होता है बहुत लाइट लोगो होता है ताकि जो अपियर हो पूरी होल स्क्रीन पे, तो उस कंडीशन में यूज क्या करेंगे, बैकग्राउंड को यूज करेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रेक, ब्रेक का यूज हम लोग तब करते हैं, मान लो कि फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास डेटा काफ़ी बड़ा है, मैं इसी को जस्ट कॉपी करता हूँ एंड देन पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर,
ठीक, और यहाँ पर रोल नंबर को A007 से एक्सटेंड कर देता हूँ, A07, ठीक, और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से रोल नंबर को, और लिख दिया A08, A009 एंड A010 एंड A011, A012, ये हमारे पास हो चुका है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल प्लस F2 दबाओ, या फिर प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F2, अदरवाइज आप यहाँ फाइल में जाके यहाँ पे देखो लिखा रहा होगा प्रिंट आ रहा है यहाँ पर, तो प्रिंट पे भी क्लिक करोगे तब भी वो प्रिंट प्रीव्यू साथ में दिखाई देगा। देखो यहाँ पे साइड में प्रीव्यू दिख रहा होगा, प्रिंट आउट में आ रहा नजर यस दिख रहा है, ये प्रीव्यू दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सारा डेटा एक ही पेज पे शो कर रहा है, हम चाहते हैं कि इस पेज पे फर्स्ट पेज पे 10 डेटा शो करें और सेकंड पेज पे 10 डेटा शोज करें, यानी 11 के बाद वाला जो डेटा है वो नेक्स्ट पेज पे आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, स्किप दबा के बाहर आना है, और जहाँ पर हमारे पास 10 लिखा है ना उसके नीचे जस्ट कर्सर को रखो 11 पे, A011 पे, और यहाँ पर लिखा है ब्रेक, और मैंने क्या दिया इंसर्ट पेज ब्रेक, क्या लिखा रहा है इंसर्ट पेज ब्रेक। ठीक जैसे ही इंसर्ट पेज ब्रेक करोगे तो एक लाइन अपेयर हो जाएगी, दिख रहा हो यहाँ पर, और अब मैं कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करता हूँ, कंट्रोल प्लस F2 जब दबाऊंगा तो यहाँ पर जो प्रीव्यू दिखाई देगा, देखो यहाँ पर 10 डेटा नजर आ रहे हैं फर्स्ट पेज पे, और बाकी जो है वो दूसरे पेज पे नजर आएगा, सेकेंड पेज पे देखो डेटा नजर आ रहा है, क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। यस बट यहाँ पर हेडिंग्स सर नजर नहीं आ रही है, हेडिंग्स नजर नहीं आ रही तो हमारे लिए किसी काम का नहीं, क्योंकि मुझे हेडिंग्स भी चाहिए सेकंड पेज पे। तो उस कंडीशन में करते क्या है कि हमें यहाँ पे एक्टिवेट करना होता है प्रिंट टाइटल्स, क्या यूज करना होता है प्रिंट टाइटल्स। तो उसके लिए करता क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द डेटा लाइक दिस और क्लिक ऑन प्रिंट टाइटल। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास हाईलाइट हो रहे होंगे, दैट इज रो टू रिपीट एट टॉप, लिखा है रो टू रिपीट एट टॉप। कर्सर को यहाँ कर्सर को क्लिक करना, और ये जो रोल नंबर वाली हेडिंग्स है बस इस पे एरो पे क्लिक कर देना, वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा, बस क्लिक करोगे वो एड्रेस ले लेगा, और जस्ट क्लिक ऑन ओके। और अब मैं कंट्रोल प्लस F2 दबाऊंगा प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए, तो यहाँ देखो साइड में दिखा रहा होगा फर्स्ट पेज पे भी हेडिंग नजर आ रही है, और सेकेंड पेज पे जो हेडिंग नजर नहीं आ रही थी वो भी नजर आने लग गई होगी, दिख रहा है क्लियर। यस तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अगर मल्टीपल्स डेटाज हैं तो हर पेज पे मुझे हेडिंग्स चाहिए होंगी ताकि इजिली आइडेंटिफाई कर सके डेटाज के फील्ड नेम को, क्लियर। अदरवाइज अगर फील्ड नेम ही नहीं होगा तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे इंग्लिश के मार्क्स है कि मैथ्स के हैं साइंस के हैं, तो आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो हाँ जाएगा। सर तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, प्रिंट टाइटल यूज करेंगे, क्लियर। ब्रेक का यूज समझ में आ गया कि अगर पेज को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना, डेटा को अलग अलग पेजेस पे लाना, तो क्या यूज करेंगे, ब्रेक यूज करेंगे, क्लियर। और यस अगर ये प्रिंट पेज ब्रेक को अगर रिमूव करना है तो कुछ नहीं करना, सिमिलरली यहाँ पे क्लिक करना है ब्रेक पे, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रिमूव पेज ब्रेक, आ रहा है रिमूव पेज ब्रेक, और लिखा है रीसेट ऑल सर पेजेस, ऑल पेज ब्रेक। तो हम रीसेट ऑल पेज पे क्लिक कर लें या रिमूव कर लें, वो तो सेम थिंग, तो हम रीसेट ऑल पेजेस पे क्लिक कर रहे हैं। अब फिर से वही हो चुका है, जैसे कंट्रोल प्लस F2 करोगे तो सारा एक ही पेज पे डेटा दिखाई देगा, देखो यहाँ पर आ रहा है 12 तक। तो ये क्या हो गया, हमारे पास सर रिमूव करना आना चाहिए और पेज ब्रेक को लगाना, दोनों आना चाहिए। अब मान लो कि मुझे सिर्फ इतना स्पेसिफिक डेटा ही प्रिंट आउट में चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि हमें सिर्फ इतना ही डेटा प्रिंट आउट में चाहिए, तो हम उसको करते हैं सेट प्रिंट एरिया, क्या करते हैं सेट प्रिंट एरिया, हो गया सेट प्रिंट एरिया, क्लियर। फिर मैंने कहा कि मुझे नीचे से दो डेटा चाहिए, तो मैंने इन दोनों डेटा को सिलेक्ट किया, तीन डेटा को, और क्या कर दिया सेट प्रिंट एरिया, इसमें और क्या कर एट दिया प्रिंट एरिया एड टू प्रिंट एरिया कर दिया, मैंने क्या किया एड टू प्रिंट एरिया। तो दिख रहा होगा कि यहाँ पे 4 तक डेटा आ रहा है और फिर 7 से 9 तक का डेटा शो आउट होना चाहिए। अब कंट्रोल F2 दबा दो, देखो यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, यहाँ दिख रहा है 4 आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है, और सेकंड पेज पे क्या शो कर रहा है 7 8 9 आ रहा है ना, सर शोर है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं प्रिंट एरियाज को भी, कि जो जो मुझे प्रिंट आउट में चाहिए उसको हम सेलेक्ट करके प्रिंट आउट में निकाल सकते हैं। हटाना हो प्रिंट एरिया तो कुछ नहीं करना, सिमिलरली फिर से यहाँ क्लिक करना हो, क्या करना है क्लियर प्रिंट एरियाज पे आप क्लिक कर दो, फिर से नॉर्मल हो चुका है। अब ये फिर से पूरा डेटा शो आउट कर रहा होगा, देखो यहाँ पर आ रहा है 1 से 12 यस तक। तो इस तरह से हमने कौन कौन से ऑप्शन पढ़ लिए, पहले बताया कि इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, दूसरा क्या पढ़ा आपने बैकग्राउंड, तीसरा बैकग्राउंड पेज ब्रेक, चौथा प्रिंट टाइटल, और पांचवा हमने पढ़ा प्रिंट एरिया, ठीक। एक नेक्स्ट ऑप्शन है पेज का साइज, देखो यहाँ पे साइज लिखा रहा होगा, अरे साइज
तो यहाँ से भी अगर यस अपने सर, पेज का साइज चूज कर सकते हो कि लेटर चाहिए A4 चाहिए, तो वो पेज इस पेज पे प्रिंट आउट निकालना होता है, उस पेज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद दूसरा होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है लैंडस्केप पे निकालना है या पोर्ट्रेट पे निकालना है। तो जितने भी नोटिसेज होते हैं ना वो हम निकालते हैं लैंडस्केप पे, तो हम चाहते हैं लैंडस्केप पे निकालना। अब मैं कंट्रोल F2 दबा के दिखा रहा हूँ, देखो लैंडस्केप का मतलब क्या हुआ, पेज की लेंथ ज़्यादा हो गई है, दिख रहा है लेंथ ज़्यादा हाँ है और हाइट क्या हो गई, कम हो गई। तो अगर मान लो यहाँ पर मुझे व्यू को बड़ा कर दे, क्योंकि पेज का काफ़ी एरिया ब्लैंक है, तो मुझे उनको भी फिल करना है। तो कुछ नहीं करना है मुझे, सिर्फ फिर से जाना है वापस स्केप से जाओ, और यहाँ लिखा है 100%, इसको कर दो 120%, 30% कर दो, 40% कर दो। तो मैंने 35 किया। अब मैं कंट्रोल F2 करूँगा तो यहाँ देखो उसका साइज कुछ बड़ा नजर आ रहा होगा, टेक्स्ट का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ यस से सर हम कर सकते हैं, और यहाँ कस्टम स्केलिंग आ रही है, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो और यहाँ से भी स्केलिंग को चूज कर सकते हो जितना चाहिए। तो यहाँ पर कस्टम स्केलिंग आ रही है, यहाँ पर क्लिक करोगे ऑप्शंस खुल जाएगा, और यहाँ से 135 है, मैंने बोला 140, 45, 50 कर दो और ओके कर दो, बड़ा हो गया। लेकिन देखो पेज के सेंटर में नहीं आ रहा है, तो पेज के सेंटर में लाने के लिए क्या करते हैं, हम फिर से यहीं क्लिक करेंगे कस्टम स्केलिंग पे, कस्टम ऑप्शंस पे, और यहाँ देखो लिखा रहेगा मार्जिन, और इस मार्जिन पे क्लिक करना, और यहाँ पे आएगा हॉरिजेंटली सेंटर, और ओके करो, देखो हॉरिजेंटली सेंटर हो गया, देख रहा है लेफ्ट और राइट से सेम मार्जिन छोड़ रहा है, क्लिक कॉन्सेप्ट। यस सर तो इस तरीके से हम क्या यूज करते हैं, इस